आतिफ, तुमने नाश्ता कर लिया? अम्मी ने बना दिया था, मेरा भी और अपना भी, और शायद तुम्हारे लिए भी। नहीं, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि अम्मी सुबह सुबह उठ के इस तरह यूँ किचन में काम करने लगते हैं। ये सारे काम तुम्हारे करने के हैं, उनके नहीं हैं। मैं ही करती हूँ हमेशा आतिफ, बस कभी कभी खाला को कोई काम करना पड़ जाता होगा। अच्छा तुम छोड़ो ना ये सारी बातें, सुनो तुम अगर अभी दफ्तर जा रहे हो तो मुझे अम्मा के पास छोड़ दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और मुझे कुछ बहुत जरूरी काम। तुम्हें उनकी याद कब नहीं आ रही होती? तकरीबन रोजाना चक्कर लगाती हो वहाँ पर, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता, और अम्मी पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती हैं। खाला घर में अकेली वकेली नहीं होती हैं, मोहल्ले की बहुत सारी औरतें हैं जो आ जाती हैं। फिर तुमसे बेहतर तो मोहल्ले की औरतें हुई, कम से कम अम्मी का ख्याल तो रखती हैं। देखो अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ना है अम्मा के पास तो मुझे साफ इनकार कर दो, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह ये बातें करके मुझे परेशान मत करो। क्यों, तुम कोई और परेशानी खड़ी करने वाली हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अम्मा के पास जाऊंगी फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि ना तुम्हें यहाँ मेरी परवाह है ना तुम्हारे पास फुर्सत है। इतने चक्कर आ रहे हैं मुझे सुबह से। देर हो रही है मुझे।